ये कोई पेड और स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है इसमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस फीचर्स यूज़र फीडबैक के बेसिस पर किया गया है आई अश्योर यू ये हेल्प करेगा आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में थैंक्स फॉर योर सपोर्ट क्या आपको पता है कि 30 से 40 परसेंट लोग अपने लिए गलत डेस्कटॉप बाय कर लेते हैं अगर आप भी डेस्कटॉप बाय करने जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है जैसे कि काफ़ी लोगों को होता है कि आपको किस तरीके का डेस्कटॉप लेना चाहिए डेस्कटॉप भी जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो अलग अलग होते हैं कुछ लोग असेंबल्ड डेस्कटॉप्स ले लेते हैं बट मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगी कि आपको हमेशा ऑल इन वन डेस्कटॉप्स बाय करने चाहिए ऑल इन वन डेस्कटॉप और असम्बल डेस्कटॉप में यही डिफरेंस होता है कि ऑल इन वन डेस्कटॉप के अंदर जो सारी चीज़ें उसकी होती हैं चाहे वो कीबोर्ड है माउस है सीपीयू है मॉनिटर है वो एक ही कंपनी का होता है एक ही कंपनी का होता है तो उसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सारी चीज़ें जेनुइन मिलती हैं और उनमें आपको आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है जबकि जो असेंबल्ड डेस्कटॉप होते हैं उनमें आपको ना तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है और ना ही वो पार्ट्स उसके जेनवेन होते हैं उनमें हमेशा डाउट रहता है तो तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से सबसे अच्छे डेस्कटॉप्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनकी क्या रिजोल्यूशन है क्या स्क्रीन साइज है कौन सी ग्राफिक कार्ड्स उसमें यूज़ किए हुए हैं कितनी रैम है ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं इन डेस्कटॉप्स की आपके साथ में लिस्ट शेयर करूंगी जो बेस्ड है लोगों के रिव्यूज़ पर उनकी रेटिंग्स पर उन्होंने आफ्टर यूजिंग दीज डेस्क क्या फ़ीडबैक दिए हैं और कितने बजट फ्रेंडली ये डेस्कटॉप्स हैं और ये जो डेस्कटॉप्स हैं इनके मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए हैं वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं और अगर आप इन लिंक्स के थ्रू इन्हें बाय करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये डेस्कटॉप ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट नंबर सिक्स पे है लेनोवो ऑल इन वन डेस्कटॉप इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है सेलरॉन दैट इज़ इंटेल जे फोर ओ ओ फाइव दैन इसके अंदर आपको फोर जी बी की डी डी आर फोर रैम मिलेगी इसमें आपको वन टी बी की एच डी डी टाइप हार्ड ड्राइव मिलेगी देन इसके अंदर इन्होंने इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा इनफैक्ट डॉस मिलेगा एंड इसमें जो रिजोल्यूशन है डिस्प्ले रिजोल्यूशन वो 720 हंड्रेड पिक्सल्स का एच डी रेडी यूज किया गया है देन इसमें आपको एलईडी टाइप डिस्प्ले मिलेगा स्क्रीन साइज इसमें आपको 19.5 इंचेस की मिलेगी इसके अलावा जो इसके अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट टू अराउंड ट्वेंटी थ्री नंबर फाइव पे है डेल ऑल इन वन डेस्कटॉप इसमें सेवन जनरेशन इंटेल कोर आई थ्री प्रोसेसर यूज़ किया है फोर जी बी की इसमें आपको रैम मिलेगी एंड वन टी पी एच डी डी की हार्ड ड्राइव मिलेगी एंड इसके अंदर इंटेल एच डी ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया हुआ है देन आपको इसमें विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा विथ वन थाउजेंड एंड एटी पिक्सल्स का डिस्प्ले रेजोल्यूशन एंड इसमें एल ई डी टाइप डिस्प्ले मिलेगा दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड फोटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ लैपटॉप पे है एसेस ऑल इन वन डेस्कटॉप इसमें 8 जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर यूज किया है अगेन 4GB की इसमें आपको रैम मिलेगी 1TB HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगा इसमें इंटेल UHD का ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है देन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा एंड रिजोल्यूशन इसके अंदर आपको 1080 पिक्सल का मिलेगा आईपीएस स्क्रीन टाइप है इसकी जो स्क्रीन की साइज है वो 21.5 इंचेस की है और इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू अराउंड 38,000 एट थाउजेंड रुपीज एट नंबर थ्री इट इज लेनोवो ऑल इन वन डेस्कटॉप अगेन इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो टेंथ जनरेशन इंटेल कोर आई थ्री यूज़ किया गया है एट जी बी की रैम मिलेगी दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस डेस्कटॉप की इसमें आपको एट जी बी की इतनी अच्छी रैम मिलेगी देन इसके अंदर आपको वन टी बी एच डी डी की हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगी एंड ये जो डेस्कटॉप है ये आता है इंटीग्रेटेड यू एच डी ग्राफिक कार्ड्स के साथ में तो अगर आप बताए गेम प्ले करना तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है देन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज टेन यूज किया गया है डिस्प्ले रिजोल्यूशन इसके अंदर वन थाउजेंड एंड एटी पिक्सल्स का है देन इसके अंदर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले स्क्रीन यूज की गई है स्क्रीन साइज़ जो है वो 21.5 इंचेस की है और जो अदर फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीस। एक नंबर टू इट इज़ ह्यूमन ऑल इन वन डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप में आपको एएमडी राइजन थ्री प्रोसेसर मिलेगा दैट इज़ कोर टू प्रोसेसर एंड इसमें आपको एट जी की रैम मिलेगी विच इज़ वेरी गुड इंटरनल स्टोरेज इसकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो है इसमें आपको दो टाइप की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी वन इज़ एस एस डी एंड अनादर वन इज़ एच डी डी एस एस डी है उसकी कैपेसिटी आपको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स जी बी की मिलेगी वहीं आपको जो एक्ट एच डी डी है उसकी कैपेसिटी वन टी बी की मिलेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो एक्सट्रीमली गुड होगी इसके अलावा इसके अंदर ए एम डी रेडन का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया गया किया गया है देन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ टेन है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो आपको 1080 थाउजेंड का मिलेगा जो कि फुल एच है एंड एलईडी डिस्प्ले टाइप इसमें यूज़ किया गया है आईपीएस एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज़ की गई है एंड इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस प्रोडक्ट विल कॉस्ट अराउंड फोटी वन नंबर वन पे अगेन है एच का ऑल इन वन डेस्कटॉप। इसमें टेंथ जनरेशन इंटेल कोर आई थ्री प्रोसेसर यूज किया गया है एट जी की रैम मिलेगी जो इसमें हार्ड डिस्क है वो वन टी की एच टाइप मिलेगी देन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो ग्राफिक कार्ड है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा विथ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो रिजोल्यूशन है वो इसमें अगेन 1080 थाउजेंड पिक्सल्स का फुल एच डी मिलेगा ये डेस्कटॉप आता है 22 इंची की स्क्रीन साइज में विथ वी एंटी ग्लेयर स्क्रीन टाइप एंड इसके अलावा जो इसकी अदर फीचर्स है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड दिस डेस्कटॉप विल कॉस्ट यू अराउंड फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज इफ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू दीज प्रोडक्ट देन यू कैन कम एंड बिलो इन दमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय